हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस यूपी के, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि उनके इतने मार्क्स नहीं हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। तो हमें ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताइए जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर आप जब प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो फ़ीस स्ट्रक्चर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताने वाली हूँ जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर जितने भी यूपी के कॉलेजेस मैंने कंपैरिजन करा है तो उनमें सबसे कम है। आप कह सकते हो लोएस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं का है। तो यहाँ मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया अपडेट हो आपका यूपी बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड सबसे पहले आपको उस चैनल पर मिल जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा जो कॉलेज है शांति मांगलिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये जो आपका कॉलेज है इसमें आपका जो कॉलेज कोड है वो है आपका 2820136। ये आपका क्या है, कॉलेज कोड है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 40 सीट्स है यहाँ पे आपकी। और जो आपके कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका आगरा में है। तो अब इसकी बात कर लें इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप हॉस्टल को नहीं लेते हो, हॉस्टल ज्वाइन नहीं करते हो, तो 72,000 पड़ेगा आपको। वहीं अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 1,02,000 आपको क्या है इसका टोटल अमाउंट ऑफ पड़ेगा, वो भी वन ईयर का। ये आपका इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो मैं कॉलेजेस बता रही हूँ आपको, ये लोएस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताए हैं। बाकी इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह के यहाँ की फैकल्टी है, कैसे यहाँ का रिजल्ट जाता है, कैसा हॉस्पिटल है, वो सब आपको चेक करना होगा। क्योंकि मुझे जितनी रिटर्न वे इन्फॉर्मेशन मिली, जितनी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आपको वो बताई है। बाकी मैं किसी कॉलेज का आपको 100% नहीं कहती हूँ कि ये कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि ये मैंने आपको लोएस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताए हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक बार एडमिशन लेने से पहले प्लीज़ पता कर लेना इनके बारे में। अगर आपके कोई नियर बाय सोर्सेज हैं, गूगल है, कहीं से भी आप पता कर लेना कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ की फैकल्टी कैसी हो। खासकर आप जब बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, मेडिकल कोर्स किस में कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है। तो इनके साथ में एक अच्छा अटैच हॉस्पिटल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ वो लोएस्ट फ़ी के बेसिस पे ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली। ये कहाँ पे आपका, बरेली में सिचुएटेड है। इसका आपका कोड क्या है, 2430022। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं आपकी, 40 सीट्स है। वहीं बात करें फ़ीस की इसकी, तो अगर आप हॉस्टल ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी 72,000 है आपकी, और अगर हॉस्टल को ज्वाइन करते हो विद हॉस्टल तो आपकी 1,32,000 आपको पड़ेगी। और हाँ, बाकी कुछ अगर इनकी हिडन फीसेज होती हैं तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जिन्होंने इतनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी डाल रखी है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका सिटी हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। ये आपको कहाँ पे, बाराबंकी में है। इसका कोड क्या है आपका, 2250157। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 40 सीट्स हैं। फ़ीस कितनी है आपकी, यहाँ पे आपकी इन्होंने विदाउट हॉस्टल ही अपनी बता रखी है, तो वो है आपकी 75,400 रुपीज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। इसका जो आपका कोड है वो क्या है, 2020037। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, अलीगढ़ में आपका ये। इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 40 सीट्स है। वहीं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो विदाउट हॉस्टल कितना है, 65,600 आपका। और अगर हॉस्टल को लेते हो, आप हॉस्टल भी अकोमोडेट करते हो, तो आपको पड़ता है 1,45,000 आपका, 600 इतना आपको यहाँ पे पढ़ने वाला है। तो ये आपका किसका हो गया, जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट का हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका आपको जो कोड है वो है 2460052। ये कहाँ पे है आपका, मुजफ्फरनगर में है ये। इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 40 सीट्स है। फ़ीस की बात करें तो विदाउट हॉस्टल है आपका 77,000 और विद हॉस्टल है 1,27,000। अब बात कर लेते हैं रक्षपाल बहादुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। ये आपका बरेली में है। इसमें आपका जो कोड है आपका वो है 2430013। नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, 40 हैं। और यहाँ पे जो आपको फ़ीस है विदाउट हॉस्टल वो है 85,000 और विद हॉस्टल पड़ेगी आपको 1,30,000। नेक्स्ट है आपका श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलीगढ़ में है ये, 2020011 इनका कोड है। सीट जो है आपकी 40 सीट्स हैं और यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आपको 75,000 है विदाउट हॉस्टल, और विद हॉस्टल है आप अगर हॉस्टल लेते हो आप तो 1,35,000। और हाँ, हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी मेस फीस को
इंक्लूड नहीं करा हो, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं करा था उन्होंने कि मेस फीस भी इसमें ले रहे हैं विद हॉस्टल, तो हो सकता है कि आपकी जो मेस फीस है वो अलग हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 243010, ये कहाँ है, ये भी बरेली में है आपका। इसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 80 सीट्स है। फीस कितनी है, 72,000 है प्लस 15, आपकी जो 1500 रुपये है यहाँ पे वो आपकी सिक्योरिटी बनी है। ये आपकी हर कॉलेज में सबमिट होती है, लेकिन जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो ये आपको बाद में पे कर वापस दे दी जाती है। तो इसका आपको पड़ता है 87,000 विदाउट हॉस्टल, और विद हॉस्टल पड़ता है 1,42,000। तो यहाँ जितनी भी आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड थी उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि पूरे यूपी में जो लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं वो ये हैं। लेकिन बाकी आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है उस कॉलेज के बारे में अच्छे से पता कर लो कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ का रिज़ल्ट कैसा जाता है, वहाँ का वे ऑफ टीचिंग कैसा है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैंने आपको लोएस्ट फीस के बेसिस पे ही बताया है। बाकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप चाहते हो कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ जहाँ पे आपको बेस्ट कॉलेज मिले परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्योंकि देखो ये लोएस्ट फीस के बेसिस पे है, अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस वहाँ की ज़्यादा अच्छी थोड़ी देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा फीस को, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी कहीं भी एडमिशन लेते हो तो पहले एक बार अच्छे से उसके बारे में ज़रूर जान लेना कि वो कॉलेज कैसा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया अपडेट हो आपका तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है तो जाओ ज्वाइन करो, वहाँ जा करके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अपने साथी स्टूडेंट के साथ में डिस्कस कर सकते हो। और अगर मुझसे आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोनों के लिंक यहाँ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। Thanks and have a nice day.